आप सबको मेरी तरह जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए मेरे तहे दिल से बहुत बड़ा सैल्यूट आप सब लोग के लिए। और आपको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप यहाँ इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, समझते हुए कि जिस तरीके का माहौल बना रखा है एडमिन ने इस यूनिवर्सिटी में, जो हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहले डरता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसको हॉस्टल से निकाला जाएगा या उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे, तो इस सब के लिए मैं बहुत गर्व करती हूँ। खुद पे नाज है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ गई हूँ जहाँ पे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने संघर्ष के साथ अपने लिए लड़ रहे हैं, खास तौर से देखते हुए कि इस देश में भी किस तरीके का माहौल चल रहा है। साथियों, अब यूनियन आना तो जानना के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एडमिन को भी मानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में भी किस तरीके का माहौल है और इससे भी काफ़ी बदतर है हॉस्टल का माहौल। आप लोगों को कुछ किस्से बताती हूँ, आप लोग सोचते हो कि मैं हमेशा आते यहाँ पे हॉस्टल की ही बात करती हूँ, पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। जिस तरीके की चीज़ें और हो रही है हॉस्टल में, जिस तरीके से वार्ड और प्रोवोस्ट राज कर रही हैं, इसके अलावा और कोई शब्द एक्यूरेट नहीं होएगा। जिस तरीके से ये लोग राज कर रहे हैं हॉस्टल में, स्टूडेंट्स की जो स्पेसेस है उस पर अपना घर ऑफिस और सब बना रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। साथियों, हमको बोलते हैं कि 8 बजे के बाहर जाएंगे तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हमसे ये फिर ये साइन भी करवाते हैं कि अगर आप जा रहे हैं हॉस्टल से बाहर, चाहे दिन हो या रात हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और अगर जब और ये नहीं कि हरासमेंट का केसेस अभी होता नहीं है, कैंपस के अंदर भी होता है और कैंपस के बाहर भी होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। और जब ऐसे हॉस्टल के अंदर भी बहुत से केसेस होते हैं ऐसे, तो जब जाके बोलते हैं वार्डन को या प्रोवोस्ट को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारे को क्या जवाब मिलता है हमेशा कि चुप रहिए, आगे पुलिस के केस भी मत करिए, बदनामी होगी। साथियों, ये जो ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी 17,000 स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में कहाँ है? UGC ने एकदम साफ मैंडेट दिया है कि हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए एक एंटी सेक्शुअल हरासमेंट सेल। क्या यहाँ पे केसेस नहीं होते कि जानने को जरूरत नहीं है? तो इन सब बातों को रखते ही मैं आप लोग के साथ जुड़ी हुई यूनियन की बात में, और शुक्रिया।